प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य स्तरीय मेला कपाल मोचन कल से विधिवत रूप से शुरू हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय मेले का उद्घाटन हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने किया। मेले में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सहित देश के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यमुनानगर जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के मेले में पहुंचने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और इसके लिए विशेष बसें भी चलाई गई हैं। सुरक्षा को लेकर काफी संख्या में पुलिस फोर्स सभी मुख्य नाकों पर तैनात की गई है। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि मेले में उन लोगों को ही आने की अनुमति होगी जिन्हें कोरोना टीके की पहली खुराक लग चुकी है। उन्होंने बताया कि मेले में सभी को कोरोना संबंधी नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। सारे श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, अंदाज़ा है 10 लाख के करीब लोग आएंगे आने वाले 4-5 दिनों में। सारे प्रबंध किए गए हैं मेले प्रशासन द्वारा और हमारी एंट्री यहाँ मेले पर उन लोगों को ही मिलेगी जिनकी सिंगल डोज वैक्सीनेशन की अवश्य हो। वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालु प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से खुश हैं। उन्होंने कहा कि यहां आकर मन को शांति मिलती है और ये मान्यता है कि यहां पूजा अर्चना करने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। मेले में पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने प्रदेश सरकार का मेले के आयोजन करने के लिए आभार व्यक्त किया। दो दफा गुरु महाराज यहाँ आए और उन्होंने यहाँ गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया कार्तिक पूर्णिमा को। उसके बाद फिर भगानी साहब के युद्ध के लिए 52 दिन यहाँ ठहरे। फिर उन्होंने भगवती चंडी यज्ञ किया। उस चंडी यज्ञ से चंडी प्रकट हुई तो गुरु महाराज जी को तलवार भेंट की गई। इसी बारी कपाल मोचन के शाही स्नान बहुत अच्छा हुआ है। कोरोना को देखते हुए फिर भी सरकार ने ठीक व्यवस्था कर दी है हमारी। पहले तो ये थी मेला नहीं लगता, लेकिन सब भक्तों की आस्था थी कि मेला लगना चाहिए और साधु समाज भी चाहता था ये मेला लगना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश से साधु समाज यहाँ पर आता है। बड़े बड़े महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत सब पधारते हैं यहाँ पर और इस तीर्थ स्थान का बहुत बड़ा महत्व है।